वेलकम टू व्हीकल इंडिया चैनल। दोस्तों व्हीकल इंडिया आज आपके लिए क्रेटा फेसलिफ्ट का एक नया अपडेट लेकर आया है जो कि किसी ने आपको नहीं बताया है। सभी लोगों ने तो ये बता दिया कि क्रेटा फेसलिफ्ट के अंदर एक नया कलर का ऑप्शन आया है, लेकिन दोस्तों किसी ने ये बताया क्रेटा फेसलिफ्ट के अंदर जो पहले एक कलर आया करता था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, वो है सिल्वर कलर का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, आप क्रेटा फेसलिफ्ट के अंदर आपको सिल्वर कलर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप क्रेटा फेसलिफ्ट एसयूवी कार को बुकिंग करवा रहे हो या फिर करवा चुके हो, अगर आपको किसी डीलर ने ये बताया कि सिल्वर कलर के साथ आपको क्रेटा फेसलिफ्ट दे दूंगा, तो दोस्तों सदासद आपको मूर्ख बना रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, क्रेटा फेसलिफ्ट के अंदर केवल 7 कलर का ऑप्शन आया है और जो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है वो है सिल्वर कलर का ऑप्शन, और एक जो नया कलर ऐड हुआ है उस कलर का जो डार्क ग्रीन रखा गया है वो नया कलर है। और दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा, व्हाइट कलर के साथ भी रखा गया है, रेड भी आ चुका है इस गाड़ी के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, इस गाड़ी के अंदर सिल्वर कलर का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आया है और ये गाड़ी आपको पहले जैसे ही 3 इंजन के साथ देखने को मिलेगी, जो कि 2 पेट्रोल और 1 डीजल इंजन के साथ होगा। एक डीजल इंजन होगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन, और साथ ही 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन को भी कंटिन्यू रखा गया है। लेकिन दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो 1.4 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन आया करता था, अब अपडेट करके अब आपको 1.5 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। और ये इंजन 160 पीएस के करीब पावर और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये सभी इंजन आपको 6 स्पीड की मैनुअल, 6 स्पीड की ऑटोमेटिक, IMT और 7 स्पीड की DCT गियरबॉक्स के साथ देखने को मिल जाएगी। और जो 1.5 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है उसके साथ आप 7 स्पीड की DCT गियरबॉक्स के साथ चला पाओगे। तो ये इंजन आपको काफ़ी ज़्यादा रिलायबल देखने को मिलेगा जैसे ही आप पंजे पे पैर रखोगे। ये फेसलिफ्ट गाड़ी आपको काफ़ी अच्छा खासा पिकअप निकाल कर देने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो सबसे बढ़िया लगा मुझे वो है सेफ्टी फीचर्स। इस गाड़ी के अंदर आपको कई सारे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि नया इंट्रोड्यूस हुआ है। जैसे कि सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर एडास फीचर्स आ चुका है, जिसके साथ लेन कीपिंग असिस्टेंट, एडिप्टर क्रूज कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेक, कई सारे ऐसे फीचर्स हैं इस गाड़ी के अंदर जो कि काफ़ी अच्छा खासा लगा। और सबसे बड़ी बात, इस गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा आ चुका है सेफ्टी के अंदर। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस गाड़ी के जब आप बेस मॉडल खरीदोगे ना, तो उसके अंदर भी आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। यानी बेस मॉडल से ही आपको इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग दिया गया है। कुछ दिन पहले आपने देखा था हुंडई ने एक्स्टर गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, जो कि एक माइक्रो एसयूवी है, उसके अंदर भी बेस मॉडल से 6 एयरबैग ऑफर कर रही है हुंडई मोटर्स। तो क्रेटा एक मिड साइज एसयूवी कार है, तो इसके अंदर भी आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी अच्छी खासी बात है और काफ़ी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी को बनाया गया है। और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, ये हुंडई मोटर्स का दावा है। अगर आपने इसका फ्रंट और रियर का फेसिया देख लिया है और आपको फीचर्स के बारे में पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, दोस्तों इसके फ्रंट का फेसिया काफ़ी बढ़िया रखा गया है। फ्रंट में आपको कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जिससे ये गाड़ी काफ़ी अच्छी खासी देखने में लगेगी, और आपकी पर्सनैलिटी में अगर इस गाड़ी के अंदर बैठते हो तो 4 चांद लगाने का काम करेगी, क्योंकि इसका जो DRLs रखा गया दोस्तों नाइट विजिबिलिटी में काफ़ी बढ़िया लगेगा। और इसके जो रियर लैंप्स रखे गए हैं टेल लाइट, वो भी काफ़ी बढ़िया देखने में मिल रहा है। और आपको स्पॉयलर्स पे ब्रेक लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ डोर हैंडल्स क्रोम के साथ रखा गया, शार्क फिन एंटीना, सनरूफ का ऑप्शन कंटिन्यू रखा गया, और बिल्कुल डिफरेंट आपको इस गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील देखने को मिलेगा। चारों टायरों के साथ ये गाड़ी जब चलेगी ना तो काफ़ी अच्छी खासी चमक आने वाली है। और जब आप इसके इंटीरियर में बैठोगे तो आपको डी शेप में ही आपको स्टेयरिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे ही आप इसके इंटीरियर में बैठोगे तो आगे का थीम जो है बिल्कुल चेंज नजर आएगा, जिसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टच स्क्रीन डिस्प्ले एक साथ नजर आएगी, जो कि एक बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिल रही है। लग्जरियस गाड़ी का फीलिंग देने वाली है आपको जब इस गाड़ी के अंदर बैठोगे। 10.25 इंच के करीब टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया, जिसके साथ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, लेस है। डी शेप में ही आपको स्टीयरिंग देखने को मिलेगा। और इस गाड़ी के अंदर आपको 7 स्पीकर साउंड सिस्टम दिया गया है, और साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर आपको कई सारे फीचर्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो सेगमेंट इन फर्स्ट फीचर्स है। और इस गाड़ी की प्राइस रखी गई है इंडियन मार्केट के अंदर बेस मॉडल से शुरू हुई है 11 लाख रुपीज के करीब टू 18 लाख रुपीज के करीब जाएगा। इसका टॉप मॉडल रखा गया 18 लाख रुपीज के करीब, यानी 11 से 18 लाख रुपए के बीच में ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये एक्सपेक्टेड बताई जा रही है, यानी जो बेस मॉडल की कीमत रहने वाली है वो 11 लाख रुपए होगा, और इसके बीच में जो सारे मॉडल रखे गए हैं वो आपको 15-16 लाख रुपए के करीब देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो इसका टॉप मॉडल है वो आपको 18 लाख रुपए के करीब देखने को मिलेगा। और कुछ ही दिन बचे हैं दोस्तों इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉन्च होने में, जो कि 16 जनवरी 2024 जनवरी के महीने में ये गाड़ी लॉन्च किया जा रहा है।
और नए साल के साथ हुंडई मोटर्स ने हमें काफी बढ़िया खुशखबरी दी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ये क्रेटा गाड़ी आपको कैसी लग रही है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और दिल से जरूर बताना ये गाड़ी आपको सच में कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर करना।